प्रश्न परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम सामान्य हिंदी व्याकरण में आपके बीच में उपस्थित हैं एक विशेष टॉपिक पद के साथ। प्रायः सभी प्रकार के परीक्षाओं में, चाहे वो अकादमी परीक्षा हो या फिर यो समझ लें कि प्रतियोगी परीक्षा हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है पद। पद और शब्द को बस इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं, स्वतंत्र हो तो शब्द, यदि शब्द स्वतंत्र अवस्था में रहता तो शब्द कहलाता है, वही जब वाक्य के रूप में आ जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। राम अकेले में है, शब्द है। राम विद्यालय जाता है, अब यहां राम एक पद है, विद्यालय एक पद है, जाता है एक पद है। तो इस तरीके से अगर एक वाक्य को देखा जाए तो वाक्य के प्रत्येक शब्द पद की तरह होते हैं। फिर से ध्यान में रखना है, स्वतंत्र अवस्था में शब्द और जब वाक्य के रूप में उनके प्रयोग होते हैं तो पद हो जाते हैं। अब पद के भेद, पद के मुख्यतः पांच भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। एक नजर हम डालते हैं, हालांकि बारी बारी से इसके बारे में हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन एक ही नजर में एक बार देखते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय किसे कहते हैं। संज्ञा नाम बताने वाला शब्द, जो भी शब्द आपको नाम बताए, राम, मोहन, सोहन, पटना, कुछ भी हो जो नाम को बताता हो। सेना, तो समूह का नाम बताए, स्थान का नाम बताए, भाव का नाम बताए, पदार्थ का नाम बताए, व्यक्ति का नाम बताए, नाम बोधक जो भी हैं, नेमिंग वर्ड्स जो हैं, नाउन कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, राम, श्याम आदि इसके उदाहरण। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। अब खड़ा हूं मैं, अपना नाम बोलेंगे तो संज्ञा, और मैं कह रहा हूं तो अपने नाम के बदले मैंने मैं का इस्तेमाल किया तो मैं सर्वनाम हो जाता है। किसी को मैं तुम कहता हूं, तुम कहने के साथ ही उसका नाम नहीं लेते हैं, उसका अर्थ है कि तुम एक सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। सर्वनाम के बाद विशेषण, दोनों की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को जो बताता है वह विशेषण कहलाता है। राम लंबा है, अब यहां राम की विशेषता लंबा बता रहा है, तो लंबा होना यह विशेषण है। वह बुरा है, बुरा विशेषण है। सोहन अच्छा है, अच्छा विशेषण है। तो मोह कहने का अभिप्राय है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द होते हैं उनको हम लोग विशेषण कहते हैं। क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम के संबंध में विधान करने वाला, विधान मतलब क्रिया, प्रचलन में होने वाला विधान, यानी वो बताता है कि शायद अर्थ, यानी विधान का अर्थ होता है जो क्रियाशीलता को, कार्यशीलता को, कंटिन्यूअस स्थिति को दर्शा रहा हो, कुछ होने को बता रहा हो तो वह कहलाता है विधान। जैसे आया, गया, ये सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्रिया को सामान्यतः पहचानने के लिए काम हम करते हैं, तो शब्द में देखेंगे जब वो शब्द स्वतंत्र रूप में शब्द आते हैं तो ना लिए रहते हैं, आना जाना, खाना पीना गाना। अब क्रिया है कि नहीं इसके लिए आप क्या करें, ना हटा करके देखें, अगर आपको अर्थपूर्ण शब्द आएंगे तो समझ लेना क्रिया है। पढ़ना, ना हटा करके पढ़, तो फिर यानी जो ना हटाने के बाद यदि वो अर्थ सहित आते हैं तो क्रिया है, अन्यथा क्रिया नहीं होगा। प्रायः ना से अंत होता है क्रिया का। अब लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं आया, गया, ये सब क्रिया का रूप, परिवर्तित रूप है। अव्यय, नाम से ही अव्यय, जिस पर व्यय नहीं होता हो, जिस पर लिंग का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। कौन कौन से पद हैं जिन पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग से प्रभावित नहीं होते, वचन से नहीं प्रभावित होते, वह क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण कहलाता है। मोहन धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया और चलना क्रिया के पहले है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता ध्यान में रखेंगे, विशेषण जो होता है वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, और क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताया। धीरे धीरे चलना, चल तेजी से चलना, तो ये चलने की विशेषता है धीरे धीरे। संबंध बोधक, क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध जोड़ने वाला शब्द, यानी क्रिया के साथ जो संबंध जोड़ना है, ध्यान में रखना है क्रिया के साथ संबंध जोड़ना। जैसे अगर कोई आपसे पूछते ऐसा कहे, मोहन सोहन से आगे चलता है, अब वहां आगे जो है वह क्रिया के साथ संबंध बता रहा है, तो इससे कहते हैं संबंध बोधक।
समुच्चय बोधक, दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में संबंध, दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच को जो संबंध बताता है या जोड़ने वाला शब्द होता है, प्रायः तथा, और, एवं, इसलिए, अस्तु, वस्तु, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, इन शब्दों से हम दो वाक्यों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, दो व्यक्ति के नाम को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये कहलाता है हमारा समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक, जिससे मन के अंदर के विकार का पता चलता हो, चाहे मनो मन की दशा का पता चलता हो। अब ये दशा उल्लास का भी हो सकता है, ये दशा विषाद का हो सकता है, हर्ष का हो सकता है। कोई व्यक्ति खुश होकर के आया है और वो किसी दृश्य को देखता है, कहता आहा क्या सुंदर दृश्य था, और कभी कोई चोट लगती है, दिल को ठेस पहुंचती है, मुख से निकलता आह हाय। तो ये सब जो विस्मय वाले वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, सॉरी, ये विस्मय वाले शब्द आते हैं विस्मयादि बोधक के अंदर। और ध्यान में रखना है, विस्मयादि बोधक में मन की दशा का पता चलता है, मनोविकार वाले विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि का पता लगाते हैं। एक वाक्य है जिसमें कि हम इन सब पदों को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अरे मुख्य अतिथि आ गए और तुम अभी तक आईने के सामने बैठी हो। अरे के बाद विस्मयादि बोधक, अरे विस्मयादि बोधक शब्द, यानी एक आश्चर्य से एक व्यक्ति आता है और उसे कहता है कि मुख्य अतिथि आ गए और तुम अभी तक आईने के सामने ही बैठी हो। तो अरे विस्मय से भरा है, मुख्य अतिथि की विशेषता बताने वाला है विशेषण, अतिथि संज्ञा है, आ गए आना क्रिया है, और क्रिया को व्यक्ति के साथ जोड़ रहा है समुच्चय बोधक, जिसे हम अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं। तुम सर्वनाम है, किसी के यानी जिसे कहा जा रहा है उसका नाम न कह करके कह रहा है, अरे तुम बैठी हो। अभी तक जो है वह विशेषण बता है, किसका विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है, बैठने की क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए वह क्रिया विशेषण है। आईना संज्ञा, के सामने संबंध बोधक, किस किस क्यों संबंध बोधक है, आईना के साथ उस महिला का या उसका है, उसका रिलेशन स्थापित कर रहा है, बैठी हो, बैठना ये क्रिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक वाक्य निर्मित होता है पद से, और पद वर्गीकृत किया गया है संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में, अव्यय में। अव्यय के फिर चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर से ध्यान में रख ले, पद पांच खंड में बटे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय चार खंड में होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब इसके बारे में हम बारी बारी से फिर से कभी आएंगे और प्रत्येक टॉपिक पर चर्चा होगी। बहुत बहुत